1861 के एक्ट में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की शुरुआत की गई। वायसराय को कहा गया उनकी काउंसिल में इंडियन मेंबर्स को ऐड करने के लिए, ताकि जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसको इंडियन लोगों के सामने दिखाया जा सके कि ये बहुत ही ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है और इंडियन लोगों को इंक्लूड करता है। तो इसी को देखते हुए 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्लूड किया गया, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। उसके बाद मद्रास और बॉम्बे की जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी उनको बहुत हद तक रिस्टोर किया गया। उसके बाद एक प्रोविजन प्रोवाइड किया गया कि आगे चलकर बंगाल, नॉर्थ वेस्ट और पंजाब के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई जाएंगी। वायसराय को ये अधिकार दिया गया कि वो रूल्स और ऑर्डर जारी कर सकते थे काउंसिल के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम भी देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसा प्रोविजन दिया गया कि काउंसिल का कोई भी मेंबर गवर्नमेंट के एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट का इंचार्ज हो सकता था। और आगे कहा गया इमरजेंसी के दौरान वायसराय ऑर्डिनेंस जारी कर सकते थे बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के परमिशन के, और ये ऑर्डिनेंस लगभग 6 महीने तक चल सकता था।